मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1000 MCQ का पार्ट नंबर 5। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप हमारी हमारे चैनल की HTM की एकेडमी के नाम से जो एप्लीकेशन है इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आप यहां पर CHO एग्जाम की प्रैक्टिस, ANM एग्जाम की प्रैक्टिस, NORSET एग्जाम की प्रैक्टिस, GNM एग्जाम की प्रैक्टिस, इन सभी एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल एकदम फ्री। अगर आप चाहें कोई किसी कोर्स को परचेज करना तो आप उसके अंदर 200 रुपीज देकर आप परचेज कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन, भ्रूण संकट स्थिति में एमनियोटिक द्रव में कौन सा पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ कि जो फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में कौन सा एमनियोटिक द्रव पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है यानी कि एमनियोटिक द्रव के अंदर क्या पाया जाता है। यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे सही आंसर बता दीजिए फटाफट, आपको सही आंसर फटाफट बताना है। यहाँ पर क्या है सही आंसर, यहाँ पे सही आंसर है वो है मैकोनियम। देखो बात यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा है कि फीटल डिस्ट्रेस क्वेश्चन में क्या पूछा, फीटल डिस्ट्रेस यानी कि जो फीटस होता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रेस यानी कि उसके अंदर क्या हुआ, डिस्ट्रेस होने लगा। डिस्ट्रेस यानी कंजेशन, एक तरह से बात करें अपन किस क्या होने लगा यानी कि कंजेशन, ठीक है कंजेशन। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पाया जाता है यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या पाया जाता है, मैकोनियम। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, तो इसका होता है ग्रीनिश, ठीक है ध्यान रख लेना कौन सा होता है, ग्रीनिश कलर। कौन सा कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर होता है ग्रीनिश, ठीक है ध्यान रख लेना कौन सा कलर होता है उसका, ग्रीनिश कलर होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो अपना है यहाँ पर बी वाला, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोविंग स्ट्रक्चर इज नोन एज द लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस, निम्नलिखित में से किस संरचना को गर्भाशय के जीवित संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग बताइए इसमें क्या आंसर रहेगा। तब तक मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, तब तक आप इसका आंसर सर्च करिए, इसका आंसर क्या है आप गेस करिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे है क्या सही आंसर, यहाँ पे ये है मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ये इसका करेक्ट आंसर है, मायोमेट्रियम की मध्यम परत, ठीक है मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। देखो क्या होता है, ये तो पेरीमेट्रियम, ठीक है ध्यान रखना कौन सी पेरीमेट्रियम है, ठीक है और ये मायोमेट्रियम है, कौन सी है मायोमेट्रियम, ठीक है मायोमेट्रियम, यूट्रस की जो मायोमेट्रियम कौन सी बीच वाली जो लेयर है इसका नाम है मायोमेट्रियम, ये जो बीच वाली लेयर है ठीक है इसका नाम है मायोमेट्रियम, ध्यान रख लेना इसका नाम मायोमेट्रियम, और ये अंदर वाली लेयर है इसका नाम है एंडोमेट्रियम, क्या है एंडोमेट्रियम। तो ये यहाँ पर पूछा है लिविंग लाइगेचर के बारे में पूछा है, लिविंग लाइगेचर, तो लिविंग लाइगेचर का मतलब होता है यानी कि जो कौन सी वाली मिडिल लेयर होती है, किसकी मिडिल लेयर, किसकी मायोमेट्रियम की जो मिडिल लेयर होती है इसके अंदर क्या पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है ब्लड वेसल्स, इसके अंदर क्या पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है ब्लड वेसल्स, ध्यान रख लेना क्या पाई जाती है यहाँ पर ब्लड वेसल्स, इसीलिए इसे कहते हैं अपन क्या कहते हैं अपन लिविंग लाइगेचर, क्या कहते हैं इसे अपन लिविंग लाइगेचर, ठीक है लिविंग लाइगेचर। तो ये यहाँ पर सही आंसर है अपना वाला है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है क्विकनिंग इन प्रेगनेंसी वुमेन टेक प्लेस एट, ठीक है क्विकनिंग गर्भवती महिलाओं में कब होती है। दोस्तों वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, तो क्विकनिंग कब होती है, तो गर्भवती महिलाओं में क्विकनिंग कब होती है बताइए फटाफट आप, तब तक आपका इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्विकनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है कौन सा, यहाँ पर
यहाँ पे सही आंसर है वो बीस, बी वाला, 16 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर। देखो दो चीजें इसमें, 16 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर। तो यहाँ पर कई बार एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्विकनिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये यूट्रस है, ये यूट्रस है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये बच्चा है, इसके अंदर ये बच्चा है। इस बच्चे की हलचल, ठीक है, इस बच्चे की हलचल किसको, मदर को महसूस होने को क्या कहते हैं अपन, मदर को महसूस होने को क्या कहते हैं अपन, क्विकनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, क्विकनिंग कहते हैं, क्विकनिंग। अब यहाँ पर एक ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में काफी कई बार पूछा जाता है कि प्रीमी ग्रेविडा, यहाँ से पूछा था प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी मल्टी ग्रेविडा, ठीक है, मल्टी ग्रेविडा, इन दोनों में कब क्विकनिंग होती है, प्रीमी ग्रेविडा में कब होती है और मल्टी ग्रेविडा में कब होती है। कहने का मतलब बच्चे की हलचल कब महसूस होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, देखो प्रीमी ग्रेविडा की अगर बात करें तो प्रीमी ग्रेविडा में 20 वीक्स की जब प्रेगनेंसी होती है तब उसको क्या है, बच्चे की हलचल महसूस होने लगती है। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब जानते हो ना, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसे कहते हैं अपन प्रीमी ग्रेविडा। बात करें यहाँ पर मल्टी ग्रेविडा, यानी कि कई बार, दो या दो से अधिक बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसे कहते हैं अपन मल्टी ग्रेविडा। तो इनको कब हो जाती है, इनको 16 वीक्स पर महसूस होने लग जाती है। क्योंकि इनके पास क्यों महसूस होने लग जाती है, क्योंकि इनको क्या है, अनुभव है। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, इनको क्या है, अनुभव है, ठीक है, अनुभव, ठीक है, इनको क्या है, अनुभव है। कहने का मतलब इनको एक्सपीरियंस है, इसलिए इनको पहले ही महसूस होने लग जाती है किसकी, बच्चे की हलचल। तो यहाँ पर सही आंसर जो अपना, लेकिन यहाँ पर सही आंसर है अपना वो है 16 से 20 वीक। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीन इन प्री एक्लेम्पसिया, निम्न में से कौन सा प्री एक्लेम्पसिया में देखा जाता है, यानी कि प्री एक्लेम्पसिया में कौन सा लक्षण होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है। तो कौन सा होता है प्री एक्लेम्पसिया में, बताइए प्री एक्लेम्पसिया में कौन सा होता है, यहाँ पर आपको आंसर देना है। यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है प्रोटीनूरिया। देखो प्री एक्लेम्पसिया की बात करें, प्री एक्लेम्पसिया मोस्टली जो अडोलसेंट प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर प्री एक्लेम्पसिया होता है, मोस्टली किसके अंदर होता है, अडोलसेंट जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है, प्री एक्लेम्पसिया होता है। प्री एक्लेम्पसिया की अगर बात करें तो प्री एक्लेम्पसिया के अंदर क्या होता है, प्री एक्लेम्पसिया की अगर बात करें तो प्री एक्लेम्पसिया के अंदर होता है, एक तो क्या होता है इसके अंदर क्या, प्रोटीनूरिया होता है, जो किडनी होती है, किडनी, ठीक है, किडनी से क्या निकलने लगता है, प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया, ठीक है, ध्यान रखना ये कई बार पूछा हुआ, प्रोटीनूरिया होता है। और फिर बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग, बात कहते हैं अपन स्वेलिंग हो जाती है, या इसे अपन कहते हैं ओडेमा, ठीक है, ओडेमा, ठीक है, ओडेमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है हेल्प सिंड्रोम, HELP, ठीक है, हेल्प सिंड्रोम, ये एक हेल्प सिंड्रोम भी होता है, हेमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है, हेमोलाइसिस हेमोलाइसिस हेमोलाइसिस, ठीक है, हेमोलाइसिस होना इसका मतलब एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एल का और LP का मतलब लो प्लेटलेट काउंट, ये भी देखा जाता है किसके अंदर, प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन में, और हाइपरटेंशन भी होता है। बताओ अब प्री एक, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया में क्या चीज का डिफरेंस है, एक्लेम्पसिया में, एक्लेम्पसिया में, तो बताइए यहाँ पर एक्लेम्पसिया में और प्री एक्लेम्पसिया में मेन डिफरेंस क्या है। देखो इसके अंदर अगर झटके आ जाते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, सीजर्स आते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सीजर्स आते हैं और इसके अंदर सीजर्स नहीं आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फ्लोविंग इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्डहुड इलनेस, कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से बचपन की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब यहाँ पर पूछा है कि चाइल्डहुड के अंदर सबसे ज्यादा इलनेस किसकी वजह से होता है, जो चाइल्डहुड इलनेस है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। तो चाइल्डहुड के अंदर क्या होता है, एक्सीडेंटल जो इंजुरी होती है, एक्सीडेंटल जैसे गिरना, ये सारी एक्सीडेंट्स जो इंजुरी होती है सबसे ज्यादा होती है किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर में, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर हेरेडिटरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा अनुवांशिक विकृति है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा निम्न में से कौन सी अनुवांशिक विकृति है, ठीक है, यहाँ पर है सिवाई, ठीक है, ध्यान रख लेना क्या है, सिवाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
एक्सेप्ट है, ठीक है, सिवाय कौन सी विकृति है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, यहाँ पर सही आंसर है वो है सिस्टाइटिस। देखो ध्यान रख लो, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, हेरेडिटरी, किसकी बात कर रहे हैं अपन, हेरेडिटरी, ठीक है, हेरेडिटरी। हेरेडिटरी के अंदर देखो थैलेसीमिया भी क्या है, जन्मजात है, ये भी हेरेडिटरी है, हिमोफीलिया भी हेरेडिटरी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी क्या है, हेरेडिटरी है, लेकिन सिस्टाइटिस क्या है, यूरिनरी 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 ब्लैडर का जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है उसका क्या है, ये इन्फेक्शन है, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका सिर्फ ये क्या है, इन्फेक्शन है, इसलिए यहाँ पर अपना जो सही आंसर है वो है सिस्टाइटिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग द इन्फेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सीएचओ एग्जाम के लिए और यूपी यूपी एसएससी के लिए और सब एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन शिशुओं में गंभीर निर्जलीकरण का संकेत है, कहने का मतलब डिहाइड्रेशन का सबसे ज्यादा लक्षण कौन सा है, तो बच्चों के अंदर कौन सा है, यहाँ पर आपको आंसर फटाफट देना है, यहाँ पर क्या है सबसे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर होगा वो, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है क्या है, यहाँ पर बताइए फटाफट, देखो यहाँ पर सही आंसर है वो अपना है ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फोंटानेल एंड डिक्रीज स्किन ट्रिगर, ठीक है, यानी कि जो बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनका क्या अंदर क्या होता है कि जो फोंटानेल्स होते हैं, जो फोंटानेल्स होते हैं बच्चों के जो सिर के अंदर जो फोंटानेल्स होते हैं, बच्चों के जो फोंटानेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बच्चों के फोंटानेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाता है, एक तो फोंटानेल क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और उसके अलावा क्या होता है, फोंटानेल डिप्रेस हो जाता है, और क्या होता है, फोंटानेल डिप्रेस हो जाता है, जो इनकी जो स्किन है, स्किन की टर्गर क्या है, स्किन की जो स्किन है उसकी टर्गर क्या हो जाती है, उसकी टर्गर, ठीक है, स्किन की टर्गर क्या हो जाती है, जो स्किन टर्गर है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है अपना वाला है बी वाला सही आंसर है। देख लेते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखो विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव पैरामीटर टू बी ऑब्जर्व इन चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। दोस्तों इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये कई बार एग्जाम में वैसे पूछा हुआ है, ये सब एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये एम्स में भी पूछा हुआ है, बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ है, बीएचयू के एग्जाम में पूछा हुआ है, सीएमपी सीएचओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, सब एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है, बहुत ही स्टार पॉइंट है, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है टॉन्सिलेक्टोमी के तुरंत बाद बच्चे में देखा जाने वाला महत्वपूर्ण पोस्ट ऑपरेटिव पैरामीटर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है बच्चे के अंदर सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव में कौन सा अपना पैरामीटर चेक करना है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो अपना है बी वाला फ्रिक्वेंट फ्रिक्वेंट स्वेलिंग, ठीक है, बार बार निकलना। जैसे मान लो किसी बच्चे का क्या हुआ कि मान लो ये बच्चा है, इस बच्चे का क्या हुआ है टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है, तो हमें क्या है कि अगर ये फ्रिक्वेंट स्वेलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है ये फ्रिक्वेंट स्वेलोविंग कर रहा है, फ्रिक्वेंट स्वेलोविंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, क्या होगा, यानी कि किसको इंडिकेट करता है, ये ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, इसलिए हमें क्या है पोस्ट ऑपरेटिवली हमें मॉनिटर करना है, अगर फ्रिक्वेंट स्वेलोविंग हो रही है तो ये ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, ब्लीडिंग को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर है वो है बी वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है सीवियर जनरलाइज एडेमा इज कॉल्ड एज, यानी गंभीर सामान्यकृत सॉफ्ट को कहा जाता है, कहने का मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग हो जाती है उसे क्या कहते हैं अपन, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जैसे पूरा शरीर है उसके अंदर अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जो पूरी बॉडी है उसके अंदर अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पूरे हाथों और पैरों में स्वेलिंग हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो बताइए उसे क्या कहते हैं अपन, पूरी बॉडी के अंदर अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं अपन, यहाँ पर कहते हैं उसे एनासारका, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन एनासारका। पिटिंग एडेमा का मतलब क्या होता है, पिटिंग एडेमा का यानी कि लेग के जो लेग होती है एंकल होता है एंकल 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 के यहाँ पर क्या होना एडेमा हो जाना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन पिटिंग एडेमा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन। और मैक्सोडेमा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म ध्यान रखना क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, मैक्सोडेमा का मतलब होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपना यहाँ पर
सी वाला है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इन एबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रीप्यूस टू रिवेल द ग्लैंड पेनिस इज, ठीक है, ग्लैंड लिंग्स को प्रकट करने के लिए प्रीप्यूस को वापस लेने में असमर्थता है। कहने का मतलब यहाँ पर तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं अपन, इन एबिलिटी टू रिट्रैक्ट ऑफ प्रीप्यूस टू रिवेल द ग्लैंड्स ग्लैंड्स पेनिस इज, उसे क्या कहते हैं अपन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है क्या होगा, यहाँ पर आपको आंसर देना है, यहाँ पे सही आंसर है वो है फीमोसिस। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर अगर बात करें अपन तो यहाँ पर जो पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है, पेनिस के ऊपर क्या होती है, एक ऐसे स्किन होती है पेनिस के ऊपर, ऐसे स्किन होती है जो पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। पेनिस के ऊपर जो स्किन है ना, ये क्या है, रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, जो पेनिस के ऊपर की जो स्किन है, ये पेनिस के ऊपर की जो स्किन है ये क्या है, रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं अपन फीमोसिस, ध्यान रख लेना, इसे क्या कहते हैं अपन फीमोसिस कहते हैं। अगर ये एपी स्पेडिस की बात करें अपन, अगर ये पेशाब का पाइप यहाँ पर खुल जाता है, पेशाब का पाइप ऊपर की तरफ खुल जाता है, तो उसे कहते हैं अपन एपी स्पेडेसिस, क्या कहते हैं उसे अपन, एपी स्पेडेसिस। और नीचे की तरफ खुल जाता है, नीचे की तरफ खुल जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, हाइपो स्पेडियसिस। तो ध्यान रख लेना है उसे क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन, फीमोसिस। तो अपने यहाँ पर सही आंसर है फीमोसिस। और यहाँ से आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार, क्रिप्टोचाइडिज्म का अर्थ क्या होता है, यानी क्रिप्टोचाइडिस का मतलब होता है अनडिसेंडेंट टेस्टिस, यानी कि जो टेस्टिस के अंदर क्या है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस टेस्टिस, ठीक है, अनडिसेंडेड टेस्टिस ये होता है, यानी कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस का नहीं आना, उसे कहते हैं अपन अनडिसेंडेंट टेस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है अपना वाला बी वाला, सॉरी सी वाला, यहाँ पर अपना सही आंसर कौन सा है, सी वाला, फिमोसिस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एम्स में भी कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रख लेना, सीएचओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, एएनएम के एग्जाम में पूछा हुआ है, एएनएम के एग्जाम में पूछा हुआ, और बहुत ही हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसके ऊपर 10 स्टार लगा लेना आप, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है द डाइल्यूएंट यूज फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी के टीके को घोलने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए किसको काम में लिया जाता है बताइए, यहाँ पर, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर है वो है नॉर्मल सलाइन, ठीक है, जो बीसीजी का टीका होता है, जो बीसीजी का टीका होता है ना, ऐसी वाइल आती है बीसीजी की, तो इसको घोलने के लिए हम 0.9%, ध्यान रख लेना किसको, 0.9% एनएस को हम काम में लेते हैं, क्योंकि अगर हम डिस्टिल वाटर को काम में लेते हैं तो उससे क्या है, ये इरिटेशन करता है, इसलिए हम कर लेते हैं किसको, 0.9% नॉर्मल सलाइन को। बात कर लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्यों ये क्वेश्चन भी बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स में भी पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लेना है, पीजीआई में पूछा हुआ है, और एएनएम के एग्जाम, ठीक है, एएनएम का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा हुआ, सीएचओ के एग्जाम में भी ये पूछा हुआ है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी स्टार लगा लेना। पैप स्मियर एग्जामिनेशन प्रोसीजर टू डिटेक्ट कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कार्सिनोमा गर्भाशय ग्रीवा का पता लगाने के लिए पैप स्मियर जांच की प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है, तो किसका है ये किसका एग्जाम्पल है बताइए, यहाँ पर कौन सा प्रिवेंशन का है ये, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर है वो है किसका, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर डायग्नोसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो डायग्नोसिस एंड ट्रीट टू डिजीज, ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीट डिजीज, ये कौन से में आता है ये, ठीक है, ये कौन से में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, किसमें आता है ये, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ध्यान रख लेना किसमें आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, तो ये यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पर सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीएचओ के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीएचओ एग्जाम जो होता है और यूपीपीएससी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना इसके ऊपर स्टार लगा लेना आप। क्वेश्चन में पूछा हुआ है शिशु मृत्यु दर को निम्न में से व्यक्त किया जाता है, यानी कि शिशु मृत्यु दर है निम्न में से किसमें व्यक्त करते हैं, तो किसे व्यक्त करते हैं शिशु मृत्यु दर को बताइए, यहाँ पर आपको आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है आपको, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर है वो है बी वाला,
रेशियो ऑफ नंबर्स इन्फेंट डेथ टू 1000 लाइव बर्थ। कहने का मतलब यानी कि एक साल में जितने लाइव बच्चे हुए हैं, ठीक है, बर्थ हुई कितनी लाइव यानी जीवित बच्चों की, ठीक है, यानी कि जो लाइव बर्थ हुई है कितनी हुई लाइव बर्थ 1000 लाइव बर्थ के ऊपर हम किसको निकालते हैं, किसको निकालते हैं, इन्फेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट को, किसको निकालते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, ध्यान रख लेना किसके ऊपर, 1000 लाइव बर्थ। जैसे 1000 बच्चे पैदा हो गए, 1000 बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, कौन से जीवित, ऐसा नहीं कि मरे हुए बच्चे पैदा हुए, ये सब क्या है लाइव है, ठीक है, लाइव है, उनके ऊपर किसको निकालते हैं अपन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी रेड क्रॉस सोसाइटी। दोस्तों सी एच ओ के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सी एच ओ के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा रेड क्रॉस सोसाइटी को अंतर्राष्ट्रीय समिति जो समिति के संस्थापक हैं, यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी किसने बनाया था। तो यहाँ पर सही आंसर, यहाँ पर तो नाम से ही पता लग रहा होगा, यहाँ पर हेनरी डूरंट, ठीक है, हेनरी डूरंट जो है ये क्या है, संस्थापक था किसका, रेड क्रॉस सोसाइटी का, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है, ये एक तरह से जो भी जितने भी ट्रेजडी होती है या जितने भी हादसे होते हैं उसके अंदर काम करती है, यानी कि एक तरह से ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, कौन, रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रोलोंग्ड इमोबिलिटी, ठीक है, प्रोलोंग्ड इमोबिलिटी मे एक्ट एज ए रिस्क फैक्टर लीडिंग टू, क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में, लंबे समय तक गति गतिहीनता एक जोखिम कारक के रूप में कार्य कर सकती है जिसके कारण है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर पूछा है प्रोलोंग इमोबिलिटी से क्या हो सकता है, जैसे मान लो सपोज करो आप दिन भर है ना खाट पे पड़े रहते हो, दिन भर मत सोया करो, दिन भर जो सोने वाले हैं ना, जैसे दिन भर सोते रहते हैं, ठीक है, ये दिन भर सोते रहते हैं, तो ये कहने का मतलब दिन भर सोना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे इमोबिलिटी, जैसे किसी को स्पाइन की इंजुरी है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइए, यहाँ पर सही आंसर देखो, यहाँ पर सही आंसर है वो अपना यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ध्यान रख लेना ये अपना सही आंसर है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का गठन होने की संभावनाएं बनी रहती है। देखो यहाँ पर डिक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर क्या क्या है, डिक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन, तो भैया यहाँ पर बोन रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है यानी कि बोन की क्षीणता होने लग जाती है, तो ये भी अपना गलत है, ठीक है। अगर आप लंबे समय तक ऐसे लेटे रहोगे ना तो जो आपकी हड्डी है, ठीक है, जो आपकी हड्डी है इनसे क्या है कैल्शियम बाहर निकलने आ जाता है, लग जाता है, क्या निकलने लग जाता है इनसे, कैल्शियम बाहर निकलने लग जाता है। तो अगर बाहर निकलेगा, हड्डियों से बाहर निकलेगा, तो कहाँ पर रहेगा, ये ब्लड के अंदर रहेगा, ठीक है, ब्लड में रहेगा तो यहाँ पर क्या है कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, तो ये भी गलत है ना, इंक्रीज हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ये भी गलत है। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर है वो है बी वाला। बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द स्किन बाय लोकल रबिंग इज कॉल्ड एज, ठीक है, स्थानीय मलाई द्वारा त्वचा पर औषधियों के अनुप्रयोग को कहते हैं, कहने का मतलब लोकल रबिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर यह हाथ है, ठीक है, क्या ये हाथ है और यहाँ पर हमें क्या लगानी है, यहाँ पर ये हाथ है और यहाँ पर हमें लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पर इस जगह हमें कोई ना कोई ट्यूब लगाना है, ठीक है, मालिश करके कोई ट्यूब लगाना है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन, इसे कहते हैं अपन इनक्शन, ठीक है, आप इसको याद रख लो, इसको क्या हम एक्शन कर करके लगाते हैं, एक्शन करने का मतलब यानी कि हम इसमें क्या करते हैं एक्शन, यानी कि एक्शन का यानी मैकेनिज्म, यानी घिसते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं अपन एक्शन, तो इनक्शन, ठीक है, तो इसे याद रख लो, ठीक है। बात करते हैं इंस्टीलेशन की, तो जैसे कि आई ड्रॉप ईयर ड्रॉप डालना, जैसे आई ड्रॉप होगी, ठीक है, आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप को डालना, उसे कहते हैं अपन इंस्टीलेशन, ठीक है। इंसर्शन का मतलब यानी कि जैसे ट्यूब्स होती है, जैसे पसरी होती है, यानी कि वेजाइनल टेबलेट होती है, इनको क्या है अंदर इंसर्ट करना है, बॉडी के अंदर इंसर्ट करना, उसे कहते हैं अपन इंसर्शन। इंसफ्लेशन जो पाउडर होता है ना, पाउडर, ठीक है, पाउडर का उपयोग करना, उसे कहते हैं अपन इंसफ्लेशन। मान लो ये घाव है, इसके अंदर आपने क्या क्या किया, यहाँ पर पाउडर डाल दिया, क्या डाल दिया यहाँ पर आपने, पाउडर डाल दिया, तो इसे कहते हैं अपन इंसफ्लेशन। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।